ग्यारहवीं बारहवीं मैंने बाल भारती स्कूल से की। ये पहले प्रयास में मुझे सफलता नहीं मिली है, मुझे तकरीबन 6 अटेम्प्ट लग गए, 5 मेंस और 4 इंटरव्यू दिए। तो देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो सोशल मीडिया के बारे में भी वही चीज है। पिताजी मेरे किसान है, माता गृहिणी। रीवा का एक ऐसा लड़का जो IES के कई अटेम्प्ट में असफल होने के बाद भी नहीं मानी हार। रीवा के अजगहरा गांव का रहने वाला किसान का बेटा बना IES। पूरे परिवार में खुशी की लहर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से IES में 10वीं रैंक हासिल करने वाले शिवांशु द्विवेदी ने बताई अपने सफलता के राज की ये कहानी। आइए आपको दिखाते हैं शिवांशु द्विवेदी का धमाकेदार इंटरव्यू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विराट 24 न्यूज में, और मेरे साथ आज हैं शिवांश द्विवेदी जी। स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में, और विराट 24 न्यूज की तरफ से आपको IAS में सेलेक्ट होने के लिए बहुत बहुत बधाई। शिवांश जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसी रही और इसमें किसका आपको सहयोग रहा? आपको मेरी 8वीं तक शिक्षा आई है अजगरा स्कूल, न्यू गवर्नमेंट स्कूल से हुई। 9th-10th मैंने मार्टिन ग्रवांग के एक एक्सीलेंस स्कूल से किया, 11वीं-12वीं मैंने बाल भारती स्कूल से की। और जैसे मैं स्टार्टिंग में 8वीं तक हिंदी मीडियम में था, तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने का जो श्रेय जाता है मेरे बड़े भाई को जाता है। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं तुम इंग्लिश मीडियम में जाओ, और फिर जब 10th मैंने MP बोर्ड इंग्लिश मीडियम से किया तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं CBSE से जाना ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर 11th-12th में मैंने स्कूल चेंज की और 12वीं मैंने CBSE मीडियम इंग्लिश मीडियम बाल भारती से की। सबसे बड़ी बात है इसमें आपको किसका सबसे बड़ा श्रेय मानते हैं कि रहा आपके IAS निकालने में? सबसे ज्यादा तो टीचर्स हैं हमारे जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी। मेरे बड़े भाई जो अभी असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे लखनऊ में पोस्टेड है, उनकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका, मेरे माता पिता का भी सहयोग था, क्योंकि ये पहले प्रयास में मुझे सफलता नहीं मिली है। मुझे तकरीबन 6 अटेम्प्ट लग गए, 5 मेंस और 4 इंटरव्यू दिए। तो इतने ज़्यादा फेलियर्स के बाद कंटिन्यूस सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मेरे माता पिताजी ने मुझे सहयोग किया, तो इन सबको सहयोग के लिए श्रेय जाता है। यहाँ पर शिवांशु जी के मम्मी पापा हैं, जाने चाहो अपना पंजे से कि कैसे लड़के को पढ़ाना और कैसा लाग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई की सकल और कैसा संघर्ष भरा जीवन रहा? बहुत संघर्ष भरा रहा, आज ग्रहण गाने में पढ़ी और चीज बोली। और माता राम अपना कैसा लाग रहा है आज अपना के? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी है। तो यह खुशी का कैसा अपना पंचे प्रकट की रहा है और लोगन की आवे की उबा हुई तो भरोसा हो लागे कुछ, मतलब पहले झटका लाग हुई? उम्मीद थी, उम्मीद नहीं थी बच्चे को जरूर सफलता मिलेगी। तो मतलब आप लोगों का संघर्ष सफल हुआ। भैया आप जैसे मम्मी पापा के साथ साथ रहे होंगे तो कैसा पढ़ाई किया आपने, किस तरह से रिश्तेदारों के बीच में कैसे उठना बैठना था आपको, क्या दिनचर्या रहती थी आपकी? जैसे स्कूल के टाइम के आने के बाद जो भी समय बचता था तो उसमें मम्मी की थोड़ी मदद भी किया करता था। और जैसे कैसी मदद करते थे? किचन में मेरी मदद करते। अच्छा, फिर वो चीज़ें हैं जैसे खेल कूद, क्योंकि बड़े भैया का सिलेक्शन नवोदय में हो गया था तो बचपन में वो बाहर रहते थे तो मुझे खेलने के लिए कुछ मिला नहीं, तो खेलने कूदने वाला टाइम बच जाता था तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई करता था। और रिश्तेदार खाली समय आपका किन चीज़ों में व्यतीत होता था? जब खाली समय बचता था न्यूज़पेपर टीवी या फिर अन्य चीज़ों में कैसे याद करते थे? जब मैं घर में था 2012 तक तब टीवी वगैरह देखा करता था, उसके बाद जैसे हॉस्टल में था तो वहाँ टीवी नहीं होती थी तो उस टाइम पे फ़ोन रहना है, हम लोग मूवीज़ भी देखने जाया करते थे कभी कभी को अच्छे ओकेजन में, और फ़ोन तो उस टाइम पे उतने नहीं चला करते थे। अभी जब दिल्ली चले गए हैं तो खाली टाइम बचता ही नहीं था, क्योंकि पढ़ाई है, कोचिंग है, और ट्रैवलिंग टाइम इतना हो जाता था और सेल्फ स्टडी के लिए भी समय निकालना पड़ता था। और जब नौकरी के साथ में तैयारी कर रहा था तो नौकरी ही इतनी टाइम कंज्यूमिंग रहती है कि उसके बाद जो भी समय मिला तो पढ़ाई के अलावा कुछ सोचने का समय ही नहीं रहता था। तो सबसे बड़ी बात पूछना चाहेंगे कि रीवा के जैसे युवाओं के लिए या फिर तमाम और जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारियाँ करें तो कम समय में मतलब अच्छी सफलता पा सकते हैं? देखिए कम समय के बारे में तो मैं कहने के लिए सही नहीं हूँ क्योंकि मुझे ही काफी समय लग गया है, लेकिन सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें जो लक्ष्य है वो पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है और क्यों करना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि सफलता उतनी जल्दी नहीं मिल पा रही, तो हमें थ्रू आउट हमारे कॉम्पिटिशन के दौरान कुछ मतलब ऐसे कुछ समाज में विडम्बना है या फिर या कहें सोशल मीडिया जमाना है उसके अबाउट में क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो आज के युवा है उसमें प्रसिद्ध इस वजह से सफलता नहीं मिल पाती जल्दी या फिर और कुछ? देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सोशल मीडिया के बारे में भी वही चीज है कि हम अगर सोशल मीडिया का अपनी पढ़ाई में उपयोग करेंगे, जैसे टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें पढ़ाई से रिलेटेड काफी सारा मटेरियल मिल जाता है, इंस्टाग्राम में भी कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं जो पढ़ाई से शॉर्ट बाइट्स रहती हैं, शॉर्ट्स भी ऐसे होते हैं, तो अगर सही उपयोग किया जाए तो सोशल मीडिया भी आदमी को पढ़ाई में मदद कर सकता है और उससे सिलेक्शन और अच्छा हो सकता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? जी पिताजी मेरे किसान हैं, माता गृहिणी हैं और बड़े भैया उन्होंने IIT BSU से पढ़ाई करने के बाद अभी वो खेल मंत्रालय जिस तरह से मतलब आप बता रहे हैं पिताजी किसान हैं, एक सामान्य परिवार से हैं, तो ऐसे में आपको पढ़ाई के लिए कुछ समस्याएं भी होंगी फाइनेंशियल या फिर, तो उसको कैसे आपने फेस किया? जी समस्याएं तो आती हैं क्योंकि किसानी में उतनी आमदनी नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई काफी अच्छे से हो सके, बट उसके लिए भगवान ने भी काफी सहयोग किया कि जैसे बड़े भाई नवोदय में थे तो उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं हुआ और मुझे भी कक्षा 9 से लेके अभी तक मतलब कॉलेज में भी स्कूल में भी मुझे स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज में भी मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं जब कोचिंग करने गया दिल्ली तो मुझे कोचिंग में भी 100% स्कॉलरशिप मिली, तो भगवान ने काफी साथ दिया उस मामले में और मुझे स्कॉलरशिप से ही इतने पैसे मिल जाते थे कि मेरी फीस माफ हो जाती थी और मुझे घर में उतना बर्डन नहीं देना पड़ता था। हाँ जी, आपने सफलता पाई है IAS की, उसका क्या सफर रहता है, किस तरह से तैयारी आपने की और उसका पूरा जो भी शेड्यूल है पेपर का, थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को और जो भी देख रहे हैं युवाओं के लिए बता दीजिए। देखिए ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है UPSC संघ लोक सेवा आयोग कंडक्ट करवाता है, इस परीक्षा के 3 चरण होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। प्री प्राय जनवरी में होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज का पेपर 1 जो 200 अंक का होता है और पेपर 2 जो होता है वो टेक्निकल एग्जाम होता है, जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 स्ट्रीम मतलब 4 ब्रांच के लोग ही ये एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और पेपर ये रहेगा प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के रिजल्ट होने के बाद तकरीबन 4 से 5 महीने बाद मेंस का एग्जाम होता है, प्रायः वो जून महीने में होता है, उसमें 2 पेपर्स होते हैं कन्वेंशनल जिसमें हमें थ्योरी लिखनी होती है, 300 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं मतलब 600 मार्क्स के, और उसके बाद जो लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू प्रायः अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में होते हैं और इंटरव्यू जैसा हम सब देखते हैं यूट्यूब में जल्दी उसी लाइन पे होता है। अच्छा, जैसे कुछ यूट्यूब में अजीब तरह के प्रश्न आते हैं इंटरव्यू में कि पहले अंडा आया मुर्गी आई या फिर ऐसे कुछ हंसी मजाक वाले ऐसे भी प्रश्न होते हैं क्या वहाँ? जी बिल्कुल, मैं अपना पहला इंटरव्यू याद करूँ तो इसी तर्ज पे क्वेश्चन आया था, मैंने सर को बताया कि मैं रीवा से हूँ और रीवा में वाइट टाइगर काफी फेमस है, तो वो वही बोल रहे थे कि व्हाट डू यू थिंक इफ मेटिंग हैपेंस बिटवीन वाइट टाइगर एंड येलो टाइगर्स, मतलब अगर येलो जो टाइग्रेस है मतलब शेरनी है और शेर है उनके होंगे तो उनके बच्चों का कलर क्या होगा। फिर मैंने बोला कि सर ये प्रेडिक्ट कर पाना डिफिकल्ट है, तो वो और बोल रहे थे कि नहीं 5 बच्चे हुए हैं तो आप बताओ कि कौन ज्यादा सफेद होंगे कौन पीले होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो ये सच्चाई है और ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आप कितने इंटरव्यू दिए हैं अभी बताएं? मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं। 4 इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल जो मतलब आपको याद हो, कुछ युवाओं के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताइए, मतलब किस तरह के फेस किया आपने? जैसे टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, नॉन टेक्निकल में जैसे हर आदमी को अपने गृह क्षेत्र के बारे में जानकारी होना काफी महत्वपूर्ण है, रीवा के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे इसे सिटी ऑफ फॉल्स यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स हैं। रीवा के बारे में क्या पूछे, जब आपने बताया होगा कि मैं रीवा से हूँ तो रीवा के अबाउट आपसे क्या पूछे? सबसे पहले वो वही पूछते हैं कि टेल मी 5 थिंग्स अबाउट रीवा, कोई 5 चीजें बताएं, तो जैसे मैं उन्हें बताता था कि वर्ल्ड फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी इज इन रीवा, रीवा में वाइट टाइगर सफारी है, वर्ल्ड का एशिया का हाईएस्ट कैपेसिटी वाला सोलर पावर प्लांट हमारे गुड़ में 750 मेगावाट कैपेसिटी, फिर सुपाड़ी की खिलौने यहाँ के फेमस है, यहाँ के जो फॉल्स हैं वो मैंने बताए हैं और यहाँ का एक इतिहास है उनके बारे में मैंने बात की, तो जब हम ऐसी 4-5 चीजें बताते हैं तो इंटरव्यू में पूछने वाले के पास काफी चीजें रहती हैं, और यहाँ की बघेली क्विजीन जो बघेली व्यंजन बनता है उनके बारे में बताया, तो इंटरव्यू में जल्दी इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले काफी बुजुर्ग होते हैं और उन्हें काफी ज्ञान होता है,
तो हर चीज जानते हैं और इनडेप्थ नॉलेज होना काफी जरूरी है। अच्छा, तो जैसे जो भी तैयारियां कर रहे हैं तो उनके लिए एक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी करें? देखिए, तैयारी करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है अपना लक्ष्य निर्धारित करना। एक लक्ष्य बनाए हो और उसे तीन प्रारूपों में बांटें, जैसे शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या कर सकते हैं, अपने दिन की तैयारी फिक्स कर सकते हैं, सुबह उठते ही वो डिसाइड करें कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि वो कैसे पढ़ाई करें। मीडियम टर्म में महीने भर की रणनीति बनाएं और लॉन्ग टर्म में 6 महीने की रणनीति या फिर एग्जाम के पहले तक की रणनीति बनाएं। तो जब चरणबद्ध तरीके से वो तैयारी करेंगे तो लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और सभी युवाओं को एक अच्छा संदेश है कि आप भी मेहनत करें और सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। जैसे कि शिवांश जी के माता पिता किसान हैं, किसान थे, और एक संघर्ष के बावजूद उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया और इस मुकाम तक आज शिवांश जी पहुंचे हैं। फिर से बधाई देना चाहूँगा सबको, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई।